पैड प्रो, ये नया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है? नाम से बड़ा सिंपल है, रेड और प्रो। रेड का मींस बॉडी के अंदर, मतलब केवल ब्लड से है, और प्रो का जो हमने लिया है वो प्यूरिफिकेशन से लिया हुआ है। ये हमारे अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब बात ये उठती कि ब्लड की प्यूरिफिकेशन क्यों? हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना पच के हमें ताकत देता है या न्यूट्रिशन देता है, लेकिन अगर खाना प्रॉपर नहीं पचता है तो फिर वो बिना पचा हुआ खाना हमारे शरीर में सड़ता है, और जब वो सड़ता है तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, और वो टॉक्सिन्स खाने से हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में हर एक सेल, हर एक कोशिका तक जाता है, तो वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर में हर जगह पहुँचते हैं और अलग अलग जगह जाके वो अलग अलग बीमारियों को बनाते हैं। अब ब्लड प्यूरीफाई कैसे हो? सबसे बड़ी बात है कि हम अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बड़ी बात है कि हम जो न्यूट्रिशन लें उसके अंदर कम से कम 25% का, 30% का एक फाइबर हो। अब ब्लड डाइजेस्ट सिस्टम अगर हमारा कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है मैरी बेरी सिरप, लेकिन ब्लड को प्यूरीफाई की जो ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुका है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास है रेड प्रो सिरप। रेड प्रो सिरप में बहुत बनी बनाई जड़ी बूटियां जो इस्टेब्लिश हैं ऑलरेडी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें से सबसे बड़ी अच्छी जो जड़ी बूटी है वो है सरीवा, दूसरी है मजिस्ठा। मजिस्ठा और सरीवा को ही अगर हम यूज़ कर लें तो हमारा काम हो जाता है। इसमें एक और बहुत बारीक बात ये है कि जो सरीवा ड्रग है ना, या सरीवा जड़ी बूटी जो है, ये हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में जाने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड चल रहा है, ये ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, ये इसको भी प्यूरीफाई करती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी फ़ायदा मिलता है। दूसरा, मजिस्ठा का जो सबसे बड़ा रोल है वो है हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करना, जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल के अलग करना, जिसकी वजह से लिम्फेटिक सिस्टम को भी ये ठीक करता है। एक तो हमारा ब्लड का सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड के साथ साथ एक और सिस्टम चलता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो कि छुपा हुआ सिस्टम है, और अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम दोनों साफ हो जाएं, उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स ना रहे, तो हमारी बॉडी एज सच साफ हो जाती है। अब आप कहेंगे जी हमें तो कुछ मुहासे ही नहीं है, हमें तो कोई रैशेज नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब मेरा ब्लड प्यूरीफाइड है? नहीं साहब, आप ये समझिए कि मुहासे और रैशेस या चकत्ते तब आते हैं जब ब्लड 60% से ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका होता है। 25-30% 40% में आपको कोई सिम्टम नज़र नहीं आएंगे। तो रिकमेंडेशन ये है आयुर्वेद में कि अगर आप इसको ब्लड प्रो सिरप को 3 महीने तक लेने के बाद फिर 1 महीने छोड़ दीजिए, 1.5 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने लीजिए, तो आप ता जिंदगी अपने ब्लड को प्यूरीफाई रख सकते हैं और बहुत सारे रोगों से आपको आराम मिल सकता है। इसमें एक सनाय पत्ता भी हमने यूज़ किया हुआ है। सनाय पत्ता का मतलब है कि हम सेना लीफ का मेजर जो फ़ायदा है वो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। अब कॉन्स्टिपेशन और ब्लड प्यूरीफिकेशन का क्या संबंध है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर अनपचा हुआ खाना इकट्ठा नहीं होगा। अनपचा हुआ खाना इकट्ठा नहीं होगा तो कोई टॉक्सिन्स या खतरनाक केमिकल्स हमारे बॉडी में नहीं बनेंगे, और जब खतरनाक टॉक्सिन बनेंगे ही नहीं तो ब्लड में नहीं जा पाएंगे। तो हमने दोनों तरफ से काम किया, हमने एक तो कि टॉक्सिन्स को ब्लड में पहुँचने नहीं दिया, यहाँ से रोक लिया, रास्ता बंद कर दिया, और दूसरा जो ब्लड में टॉक्सिन्स पहुँच चुके हैं उनको हमने जड़ी बूटियों की मदद से उसको वहाँ से भी डिटॉक्सिफाई कर लिया, तो हमारा ब्लड प्रॉपर प्योरीफाई हो जाता है। सिंपल है डोज, 2 चम्मच, 2 सुबह 2 शाम, या दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है, और हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और जो छोटी छोटी भी आप 3 महीने तक यूज़ करेंगे इस प्रोडक्ट को, तो आप तभी आपको महसूस होगा कि यार ये ऐसा होता था अब नहीं होता, अब ऐसा होता था अब नहीं होता, ये चीज़ आ रही थी पता नहीं है क्यों आ रही थी लेकिन अब नहीं है। ये 3 महीने कम से कम हमें इसको यूज़ करना चाहिए, तभी इसके रिजल्ट्स हमें विजिबल होंगे। ये आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में रिजल्ट्स
लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रोडक्ट रेड प्रो सीरम। थैंक यू।